हम लोग बड़े होंगे यहाँ फल देने लगे। सो गाइस, मेरा नाम राधे है और नमिता मेरा दोस्त है। आइए आपको दिखाते हैं आज हमने क्या क्या किया। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग इसको चाहे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, मगर कुछ कर सकते हैं, आप में है वो छुपा हुआ है, आप कुछ कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पहला पेंटिंग, फिर उसके बाद कौन कौन है। ये वाला फोटो इनके पास, और फोटो था ही नहीं, एक ही फोटो खींच के रखे थे। तो अब देखिए, हमने बेस पोत के, अब एक दिन बेस पोतने में लग गया, अब उसके बाद देखिए डिटेल वर्क कर रहे हैं। ये आयल कलर बना रहे हैं, फेस आयल कलर, बाकी बॉडी जितना है एक्रेलिक कलर, क्योंकि समय नहीं है सूखने के लिए, और एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी सूखता है, यूँ लगाया यूँ सूख जाएगा, वो भी अच्छा कलर होता है। और आयल कलर फेस बना रहे हैं, जबकि ये जो आयल कलर का लाइटिंग होता है वो परफेक्ट होता है। देखिए अब पेंटिंग हो गई है रेडी, बस केवल नाम लिखना है, सब कुछ हमने कर दिया है। अब आइए दिखाते हैं आपको क्या हुआ। अरे आज खुशी का भी विषय है, लेकिन थोड़ा सा हम हरैया वासियों के लिए दुख का विषय है कि ऐसे शानदार खंड विकास अधिकारी महोदय जी का जो समय है बहुत कम टाइम के लिए हमें मिल पाया है। 30 जून को आपका रिटायरमेंट है। हम लोगों को इस हरैया ब्लॉक के जनमानस को आपका और भी टाइम चाहिए था, लेकिन जितना भी आपने टाइम दिया, अगर 11 बजे 12 बजे रात तक भी अगर वहाँ पे आना पड़ती है तो आप ब्लॉक में काम करते हैं, और ब्लॉक का हरैया रहने के बाद लगता है यहाँ पे कोई ब्लॉक स्थापित है जिसे बिना की तालाब के उद्घाटन में देखिए बत्तख खरीद के आए हैं। ये बत्तख खरीद के आए हैं, पानी बहुत ठंडा है इसलिए सब बाहर बैठे हैं, बत्तख हैं। अब पोखरे का उद्घाटन होता है, इस मामला पोखरा के उद्घाटन में बरम बाबा जी हैं। पोखरा एकदम मस्त लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है और कितना साफ सफाई है। और BTC प्रधान जी हैं, उन्होंने आज हम लोगों के आदरणीय मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनको भी माल्यार्पण कर उनका भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जो अमृत सरोवर का लोकार्पण कराया गया है, उसमें उपस्थित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष, ये है बरम बाबा का मंदिर। देखिए ये मंदिर है और बड़े शक्तिशाली बरम बाबा हैं भैया, इनके कहानी सुनेंगे तो बाबा में बरम बाबा के यहाँ देखिए कितनी गाड़ी आई थी, वही दिखा रहा हूँ आपको। दो रोड है, एक रोड इधर से, एक रोड उधर से, देखिए दूसरे रोड पे हम आपको दिखा रहे हैं। दो रोड है, मतलब ये मंदिर है बट यहाँ पे उतना कोई ध्यान नहीं देता है। और ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं आज पोखरे का। देखिए दूसरा रोड है, ये
खाए मिला मिला ना एक कटल यहाँ पे गार्डन है, इसी कार्यक्रम में सब लोग होने के लिए आया। अच्छा, और कुछ कौन है, किसके हाथ से हो रहा है? बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ का। मंदिर को देखना कभी आए थे? सॉरी, मंदिर पे कभी आए थे आप? कई बार आए तो हम कई बार आ चुके हैं। आपके गांव का मंदिर है ना? कहाँ है लोग? अमृत सरोवर का उद्घाटन करने के लिए आए। कैसा कुछ तो बड़े बड़े नेता दिख रहे तो सुंदरीकरण सौंदरीकरण है, बहुत ही अच्छा हुआ है। चाहते हैं कि हमारे गांव में भी ऐसे गीतों का स्थापना हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक छोटा है जो छठ होता है, लोग इतने दूर नदी पर 3 किलोमीटर जाते हैं, तो हमारे रौनाबाद में भी एक अच्छा होता है, उसका भी इसी तरह सौंदर्यीकरण। हम चाहेंगे कि हमारी जनता है, हमारे यहाँ के प्रधान, यहाँ के पीडीसी, यहाँ के जिलाध्यक्ष, मैं से यही उम्मीद करूँगा वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र इतना घटिया है रौनाबाद का, उसका भी अच्छा सौंदर्यीकरण करा के हमारी जनता के। अरे वो तो घटिया रोड भी घटिया है, ये बताइए आज कैसा लग रहा है? उसी में आया, उसी में हम लोग आए। एक नंबर भाई साहब, बंदूक चलावे ना। इस सिकंदरपुर की सर्जरी पर जो है शानदार अमृत सरोवर का लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस गांव के शानदार प्रधान श्री प्रमोद यादव प्रधान जी के द्वारा चयनित 5 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, देखो भाई अब खाना भी खाने को मिला है, आज मजा आ गया।